इस पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं तहे दिल से अपनी ओर से तथा अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विगत 2-3 वर्षों से पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था और उसकी वजह से बहुत सारी गतिविधियां भी प्रभावित हुई थीं, और इसी वजह से पिछले 2 वर्षों से हम अपनी छात्राओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी नहीं कर पा रहे थे, किंतु आज ये और अधिक उल्लास का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमें बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सत्र 22-23 में सत्र के प्रारंभ से ही आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत, युवा उत्सव के अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, इको क्लब के अंतर्गत और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिनके बीच हमारे छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया, चाहे वो रचनात्मक हो, सृजनात्मक हो, बौद्धिक हो, साहित्यिक हो या सांस्कृतिक हो। और आज वो समय आ गया है कि जब हमारे बच्चों ने साल भर जो मेहनत की है उनके पारितोषिक आज वे हमारे मुख्य अतिथि के हाथों प्राप्त करेंगे। हमारे क्रीड़ा विभाग की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। क्रीड़ा में हमारी छात्राएं जिले के साथ साथ संभाग स्तर तथा राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त करके महाविद्यालय के साथ साथ सतना शहर को भी गौरवान्वित करती हैं। इसी प्रकार आजादी के अमृत महोत्सव में, युवा उत्सव में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमारी छात्राओं ने जिले के साथ साथ संभाग एवं राज्य स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व किया है। हमारे यहाँ की युवा सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रत्नेश्री केसरी ने प्राध्यापक संवर्ग में बैडमिंटन में राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभागिता दर्ज की है। इस प्रकार समस्त गतिविधियां संचालित हुई हैं और विश्व बैंक के द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता उन्नयन के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। शैक्षणिक भ्रमण, सेमिनार, वर्कशॉप, व्याख्यान, जिनके माध्यम से छात्राओं को अपनी गुणवत्ता को के उन्नयन के लिए अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं। आर्थिक स्वावलंबन तथा उन्नयन की दिशा में भी हमारी छात्राएं महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण है उनको प्राप्त करती हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास हर महीने कम से कम 10 से 15 छात्रा की सूचना आती है कि वो कहीं 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 ना कहीं चयनित है और प्लेस्ड है, जिसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। रूसा एवं वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हमारे पास प्रयोगशाला, मल्टीपर्पज हॉल तथा 50 सीटर छात्रावास का भी निर्माण हुआ है। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सत्र 23-24 से हम छात्राओं के लिए इस 50 सीटर छात्रावास को माननीय सांसद जी के सहयोग से प्रारंभ करने में सफल होंगे। इसी प्रकार छात्राओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में हम सत्र 23-24 से 2
सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, कंप्यूटर टैली का तथा फूड प्रिजर्वेशन का, और इन कोर्सेज को हम न्यूनतम शुल्क पर महाविद्यालय में करवाएंगे, जिससे छात्राओं को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और इनको प्राप्त करने से उनमें कौशल तो डेवलप ही होगा, इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उन्हें क्रेडिट्स भी मिलेंगे। इस प्रकार महाविद्यालय प्रतिक्षण विकास को थोड़ा थोड़ा ऊपर के सोपान में ले जाने का प्रयास कर रहा है, किंतु हमारी जो सबसे बड़ी कमी है छात्राओं की संख्या के अनुपात में, हमारे पास शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक दोनों प्रकार के स्टाफ की नितांत कमी है। महाविद्यालय में 10,300 छात्राएं अध्ययनरत हैं, किंतु हमारे लगभग 40% कोर्सेज जो हैं वो स्ववित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होने के कारण मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से हमें उनके लिए पद प्राप्त नहीं होते हैं। माननीय सांसद महोदय से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारी स्ववित्तीय कक्षाओं को शासन के रूप में शासकीय स्थानांतरित करवाने के साथ साथ हमें कुछ पद दिलवाने का कष्ट करें, जिससे कि जैसे कि पूरे सतना शहर का यह इकलौता कन्या महाविद्यालय है, सबकी एक जो सपना है कि कन्या महाविद्यालय का बहुत उन्नयन होना चाहिए, उसको एक नया सोपान मिलेगा। इसी आशा के साथ एक बार पुनः मैं इस सभागार में उपस्थित समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ कि उन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। प्राचार्य मैडम के स्वागत उद्बोधन के उपरांत मैं महाविद्यालय की छात्राएं अवंतिका द्विवेदी, रोशनी दुबे, आस्था विश्वकर्मा, आस्था तिवारी, रानी पांडे, तृप्ति विश्वकर्मा एवं सृष्टि गुप्ता से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे आकर अपना गीत प्रस्तुत करें। Thank you.
अध्यक्ष शासकीय कन्या महाविद्यालय सतना के श्री जग भगवती प्रसाद पांडे जी से विनम्र आग्रह है कि वे मंच पर आएं और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज शासकीय कन्या महाविद्यालय इस वार्षिक उत्सव वार्षिक स्नेह सम्मेलन असीम सौंदर्य पवित्रता के प्रतीक धर्म नगरी माँ सरस्वती के देवी शारदा देवी एवं भगवान राम की तपोस्थली जहाँ 11.5 वर्ष भगवान राम ने तप किया वनवास किया, ऐसे वनवासी राम के दोनों के मध्य में विराजमान हमारा सतना शहर और सतना शहर के हृदय स्थल में विराजमान यह हमारा शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय। इस महाविद्यालय में सबसे पहले मैं इस महाविद्यालय के प्रांगण को मैं नमन करता हूँ, जहाँ या पहले पीजी कॉलेज था, मुझे भी इस महाविद्यालय की मिट्टी को प्रणाम करने का, मुझे भी पढ़ने का अध्ययन करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले उसको नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ आज के हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिनका जो हम जिनसे हम सभी कोई परिचित हैं, कहते हैं कि है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान, है समय बड़ा तूफान जिसमें पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय पर चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद श्री गणेश सिंह जी, जिन्होंने 30 वर्षों से
लगातार जनता के बीच में प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुनकर जो है हम सबके बीच में मार्गदर्शन कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा भाव का जो प्रेरणा आपके मन में छात्र जीवन से ही छात्रों के बीच में समस्याओं को निराकरण करते हुए जब आप छात्र संघ के अध्यक्ष प्रेसिडेंट रहे हैं उस समय से आपके मन में भाव आया, उसके बाद से जो राह पकड़ी है उस राह को आगे पकड़ते हुए 1995 में आप जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, सन 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में एवं 2004 से इस बिंद की धरती पर लगातार 30 वर्ष तक निरंतर बिना किसी रुके बिना किसी रुक झुके बिना किसी के रुके जो है लगातार आप नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे सतना जिले का ऐसे माननीय लोकप्रिय सांसद जी का मैं इसे मुख्य अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बट वृक्ष जिसके छाव में महाविद्यालय परिवार फल फूल रहा है ऐसे कृतज्ञता से विभूत वरिष्ठ शिक्षा वेद सौंदर्य की पारखे माननीय डॉक्टर नीलम निछारिया जी को मैं नमन करता हूँ। इसे सींचने वाले समस्त विद्वत समाज को जो इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस महाविद्यालय के वैभवशाली गौरवशाली इतिहास और उसमें जन्मे सुनहरे भविष्य के उत्साही अनुशासित प्यास को नमन करते हुए नमन करता हूँ परम पिता परमेश्वर के जन्मे और इस भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज जनभागीदारी अध्यक्ष के रूप में खड़े होने का अवसर प्राप्त किया अवसर दायित्व दिया। मंचस्थ में विद्वत समाज इस महाविद्यालय में यहाँ पर प्रांगण में बैठे हुए हमारे जनभागीदारी के सतना पीजी कॉलेज के सम्माननीय अध्यक्ष हम सबके विशेषकर मेरे जब मैं विद्यार्थी पर हमें काम कर रहा था उसके भी अभिभावक रहे हमारे श्री विजय यादव जी, जयद्वारा कॉलेज महाविद्यालय के सम्माननीय अध्यक्ष वरिष्ठ समाजी जी अशोक बंसल जी, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष डिग्री कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे ऐसे भाई रत्नाकर चतुर्वेदी शिवाजी और मेरे सामने बैठे हुए जिनका मैं विद्यार्थी रहा हूँ जिनको मुझे वो सीखने को मिला ऐसे मेरे गुरु जी डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव जी, हमारे मेरे गुरु जी जिसने मार्गदर्शन मुझे मिला पीजी काल में जब मैं विद्यार्थी था गोपनीय नियंत्रक भी हमारे रहे डॉक्टर जी पी निछारिया जी, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी जी, आर के श्रीवास्तव जी, सुनील जैन जी और इसे बगल में बैठे हुए सतना शहर के व्यापारियों के हमारे नेतृत्व कर रहे बिंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के सम्माननीय वरिष्ठ व्यवसायी श्री सतीश सुखेजा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिला उपाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता और जनभागीदारी के हमारे कृषक सदस्य के रूप में हमारे इस महाविद्यालय का मार्गदर्शन करने वाले श्री प्रहलाद कुशवाहा जी, श्री सूर्यनाथ सिंह गहरवाल जी जो हम सबके वरिष्ठ हैं मार्गदर्शक हैं, अभिभावक सदस्य के रूप में जिनकी बिटिया यहाँ अध्ययनरत हैं श्री हमारे महेंद्र तिवारी जी, कोटा से चलकर यहाँ आए श्री शांति स्वरूप अग्रवाल जी, पोषक शाला सदस्य के रूप में जो हमारे जनभागीदारी का मार्गदर्शन कर रहे हैं और डीओ ऑफिस जिला शिक्षा विभाग में सीएम राज्य स्कूल और पीएम श्री का जो आईटी सेल का पूरा काम देखते हैं ऐसे लेक्चरर श्री जी जयंत पांडे जनायन पांडे जी, जनभागीदारी के रूप में सदस्य के रूप में स्वयं से संस्था से हमारे वरिष्ठ व्यवसायी केसरवानी ऑटो पार्ट्स के संचालक श्री मुकेश केसरवानी जी, उद्योग संस्था से हमारे सदस्य के रूप में इस महाविद्यालय को जो सहयोग कर रहे हैं श्री सुरेश बड़ेड़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पधारे हमारे जिले के मंत्री श्री संतोष गौतम जी, सांसद प्रतिनिधि और जनभागीदारी के हमारे सम्माननीय सदस्य महोदय श्री मनीषा सिंह जी, पूर्व छात्रा के रूप में जनभागीदारी के सदस्य के रूप में यहाँ उपस्थित श्री कुमारी रेखा सोनी जी, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण श्री डॉक्टर अनुराधा जैन जी, डॉक्टर प्रज्ञा देवरी जी, शोभा गुप्ता जी, श्रीमती किरण सिंह जी, श्री आभा अग्रवाल जी एवं पीछे डॉक्टर सुनीता तिवारी जी मंच का संचालन कर रहे राजनीति सिंह जी, डॉक्टर ए के पांडे जी, वीरेंद्र यादव जी, वीरेंद्र सिंह जी और श्री यहाँ पर आए अन्य उपस्थित सभी जिनका भी नमान नाम मैं छोड़ रहा हूँ सबसे सभी को यथावित प्रणाम करते हुए मैं यहीं पर आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय आज का यह जो कार्यक्रम आप सबको जानते हैं कि पुरस्कार वितरण के रूप में यह रखा गया है महाविद्यालय का विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम जो है हर वर्ष यहाँ पर आयोजित किया जाता है लेकिन बीते
कोविड काल के वजह से जो है कुछ वर्षों में यह आयोजन नहीं हो पाया। बहुत ही अल्प समय में यह हमारे यहाँ महाविद्यालय में तैयारी की, चूंकि परीक्षाएं के बीच में लगातार चल रही थी, बहुत ही अल्प समय मिला। माननीय प्रचार महोदय जी ने बहुत ही अल्प समय में तैयारी करके वार्षिक कृष्ण सम्मेलन किया गया और कुछ खेल के और अन्य गतिविधियों को भी पुरस्कारों का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने में विश्वास करता है, क्योंकि उसका मानना है कि जब वे प्रेरित होते हैं तो भविष्य में कठिन काम करेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रदर्शन से बेहतर होगा। यही कारण है कि महाविद्यालय को गौरवान्वित करने वाले छात्रों को पुरस्कार करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। यह पुरस्कार समारोह महाविद्यालय में सबसे कीमती अवसरों में से है, क्योंकि यह हमें पिछले वर्ष की उपलब्धियों पर प्रतिबिंबित करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, पूरे समुदाय को संबोधित करने का अवसर प्रदान करता है और आने वाले दिनों में हमारे महाविद्यालय